brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. देखिए फिर से एक बार छपड़ा हिंसा के दौर से गुजर रहा है और कल भी चुनाव के दौरान हमने देखा कि कई सारे बूथों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई की और हिंसा दिख रहा था। फिर भी हम लोगों ने सहमित ढंग से चुनाव संचालित होने दिया और कल ये वाक्या छपड़ा की है जहां से ये घटना शुरू की। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जिसका अधिकार नहीं होता है बूथ में प्रवेश करने का, कैंडिडेट जब बूथ के अंदर जाता है तो वो चुनाव आचार संहिता का वॉयलेशन है। और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, स्वाभाविक है प्रोटेस्ट करना। अगर आप बूथ जब बूथ पर जाइएगा तो बूथ कैप्चरिंग का शंका होता है। और उसके बाद बहसा बहसी हुआ और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद पत्थरबाजी हो गई और दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में, ये शुरुआत तो वहीं से हुआ। उसके बाद लगातार पूरे शहर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घूम घूम करके टोले बना बना करके लोगों को मार पीट रहे थे। और ऐसी घटना आज सुबह की है जब मोहन सिंह नाम के व्यक्ति चाय पीने गए तो उनको मारना पीटना शुरू किया। वो गांव जब लौटे तो गांव के नौजवानों ने देखा, उनकी पिटाई देखी, उनकी हालत देखी और उसके बाद सब लोग गाँव के वहाँ पर उसी स्थान पर गए और उसी समय से ये हिंसा का दौर शुरू हुआ। पता चलता है 500,000 की संख्या में लोग किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, फिर ये वारदात हुआ। अब ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन ये हिंसा की शुरुआत तो जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूँ, हिंसा का दौर। और ये पूर्णतः राजनीतिक तांडव है, इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और कम से कम छपड़ा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग के निर्देशन पर तहकीकात होगी और उचित कार्रवाई होगी। हम तो ये अपील करेंगे कि शांति बनाए रखे लोग, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्थिति भयावह है। मैं तो छपड़ा में ही हूँ इस वक्त, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब लोग इस काम में, ADG, लॉ एंड ऑर्डर, सब छपड़ा कैंप कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है इस पूरे घटना को लेकर के। आपने कहा कि कैंडिडेट कहीं नहीं जा सकते, लेकिन कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमें वहां से सूचना मिली थी कि आपके वर्कर्स, देखिए कल हमें भी बहुत जगह से सूचना मिलती रही, तो मैं तो कोई कमांडो हूं नहीं, मैं तो कोई पुलिस अफसर नहीं हूं, मैं कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो हूं नहीं, मैं DMSP तो हूं नहीं। मैं तो सिस्टम में चुनाव आयोग को कहूंगा, कंसर्न सेक्टर इंचार्ज को, जहां भी हमारा, हम तो चुनाव आयोग को, रिटर्निंग ऑफिसर को बताएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उस काम को देखेगा कि कहीं बूथ कैप्चरिंग, ये किसी कैंडिडेट का काम नहीं है कि आप बूथ में प्रवेश कर जाएं, ये हमारा काम नहीं है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये कैंडिडेट का काम नहीं है, वहाँ पोलिंग एजेंट है आपका, उनका भी पोलिंग एजेंट होगा वहाँ, ये तो वो कंप्लेंट करे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। बूथ पर मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ जो मैं बूथ पर फोर्स लेके घुस जाऊँ और लाठी चलाऊँ, ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। ये बिहार की जो पुरानी परंपरा है, शायद राष्ट्रीय जनता दल की इसी तरह की परंपरा है कि बूथ में घुस करके बूथ कब्जा करना, और शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, मतदाता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, शायद यही कारण है। राजीव प्रताप जी, किसी की भी मौत हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन मौत है और मौत दुखद है। और किसी की मौत हुई और अगर हो तो कि आपसी दुश्मनी हो, जमीन जायदाद का झगड़ा हो तो बात समझ में आता है, डकैती हो, चोरी हो, यहाँ तो चुनाव की बात है, तो इसका मतलब अगर चुनावी हिंसा होता है तो चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि आखिर ये चुनावी हिंसा क्यों हुआ और उसके लिए जिम्मेवार कहाँ है और कहाँ किसकी चूक हुई। आप जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि BJP पे आरोप लग रहा है, पूरी तौर से जांच होनी चाहिए क्योंकि जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे लोग भी उस उत्पात में हैं, तो प्रशासन को न्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। रोहिणी जी ने ये भी कहा कि आप हताशा से इस तरीके की घटनाएं करवा रहे हैं, हम घटनाएं क्या करवा रहे हैं, हमारा तो पता ही नहीं वहाँ पर, हम बूथ पर भी किसी जगह नहीं गए, हम तो अपने मतदान करके अपने घर पर हैं। तो हर कैंडिडेट को ऐसे ही करना चाहिए ना, लोकतंत्र में ऐसे ही बताया गया कि जहाँ मत हो वहीं जाइए। अब लाठी डंडा लेकर के पूरे बूथ पर घूमिएगा, अपने फोर्स को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के, तो संकट तो होता ही है ना, इसे लोगों में तो डर लगता ही है क्योंकि ये कल्चर राष्ट्रीय जनता दल का पुराना है, बूथ में घुस जाना, पोलिंग एजेंट को मारना, भगा देना
कब्जा करना, तो इसके कारण मुझे लगता है कि वही चीज़ जब लोगों को दिखता है तो लोग डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो एकत्रित हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रशासन को खबर करते हैं। तो ये विषय तो ठीक कहा आपने। ये भी हो सकता है ना कि कल जिस तरीके से घटना हुई इसमें प्रशासन की भी कहीं तो चूक होगी। देखिए, मुझे तो बहुत बड़ी चूक दिख रही है, लेकिन मैं इस पर कमेंट करने वाला कोई नहीं हूँ। अब तो देखना पड़ेगा कि आखिर हुआ कैसे, लोग का मॉब आया कैसे, गोलियां चली कैसे, पृष्ठभूमि क्या है। तो अभी भी चुनाव आयोग, यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, अभी तो सब शासन चुनाव आयोग के पास है, और चुनाव आयोग इसकी तहकीकात करे। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको, गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सबको ही थे मेरे साथ वहाँ पे। हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है, उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है? ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना डिटेल, जाके पता करवाइए।